Could you please tell me the price for these candles? And where is it made from? Hello. Oh, Samla, what a pleasant surprise to see you here. How the hell, man? Arey, it's nothing. Tumo dupatte? Arey, oh my God. Samla. Okay, just hear me out. It's nothing. It's not a big deal. Did he beat you? Dekho. ये इतनी बड़ी बात नहीं है ओके डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट इट्स नथिंग फाइजा योर फेस योर बॉडी इज ब्रूस्ड आर यू क्रेजी व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद यू ऑल दिस टाइम यू हैव बीन टेलिंग मी हाउ मच ही लव्स यू मैन इज दिस द लव ही लव्स मी डियरली ही लव्स मी सो मच ही हैज गिवन मी द बेस्ट लाइफस्टाइल हाउ लाइफस्टाइल सुनला देखो हम लोग बाहर फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं ही गेट्स मी डायमंड्स एंड शनेल्स मुझे किस चीज की कमी है I'm living the best life. Look at you. And he loves me dearly. Look at you. Where's that Faiza, the educated young professional? Where Listen are you? To me. You need to wake up. You need help. No, but I love him so this dearly. This is not acceptable. You need help. I love him so dearly. I cannot live without him, Sumla. I love him. Ye aapki nishani hai? Dekho, kabhi kabhar gussa aa jata hai. Koi itni badi baat nahi hai. You need help. Stop. No, I can't live without him. Stop, Faiza. I can't live without him. I love him. I love him, Samla. I love him. Saba, तू मेरी best friend थी. तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी. अली मेरी मोहब्बत थी बचपन की. तूने उसे मांगनी कर ली. अली, तुम college में हो आज? अच्छा दो मिनट के लिए canteen के बाहर आना please. प्लीज़ यार प्लीज़ आ जाओ मुझे सिर्फ थोड़ी सी बात करनी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके आई एम वेटिंग सती सावित्री लड़की देखेगा या वो परकटी उसको तो नहीं छोड़ूंगी आज अली मेरा है ये हुसन का जलवा आज उसको फंसा के छोड़ूंगी मैं कमल, what's up? मेरे दिल से पूछो अली तुमने सबा से कैसे मंगनी कर ली वो तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती अली What? मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करती What? सबा जानती थी तुम भी तो जानते थे इट्स नॉट सबा इन योर हार्ट अली इट्स मी मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है अली अली उसने तुम्हें अपने हुस्न में छुपा लिया है अली प्लीज पहचानो ओके शी कैन नॉट बी अ गुड हाउसवाइफ शी विल नॉट बी अ गुड लिसन टू मी आई लव दैट गर्ल नो अली यू लव हर इस वक्त भी वो किसी और आदमी के साथ है अली वो कितने कितने लड़कों के साथ और रहती है गॉड से झूठ बोलना बंद करो बचपन से सिर्फ तुम्हारी प्रस्तुति की अली देखो मैंने बुर्का उतार फेंका और चादर पर आ गई अली ओके क्या चाहते हो तुम सभा की तरह मैं स्टेनलेस पहनू स्कर्ट पहनू मैं कर लूंगी अली प्लीज कर लूंगी प्लीज अली प्लीज अली प्लीज गेट अ ग्रिप प्लीज नहीं कुछ भी करूंगी अली तुम्हारे लिए नहीं प्लीज नहीं प्लीज प्लीज मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ बच्चे ये होने नहीं दूंगा ये आज आपकी तबीयत ठीक है तबीयत तो वही ठीक है लेकिन आई वॉन्ट यू टू ओपन दिस कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है टॉक्सिक लव जो कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है इन द सेंस के जिसमें एक रिलेशनशिप में बहुत इंटेंस हाइज होते हैं वेरी पैशनेट एंड बस दुनिया इधर की उधर मैं माउंटेन्स हिला दूंगा तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा और अगले दिन ही चपेड़े जूते पड़ते हैं तो इट्स अ वेरी लाइक रिलेशनशिप ऊपर चलता है फिर ठक करके नीचे आता है और एक अफरा तफरी सा एक आलम होता है बिल्कुल मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि हम टॉक्सिक लव जो है इट्स लाइक अ ड्रग हाँ आज आप जो है आपने ले लिया ना आप एक्साइटमेंट में और हाइप में वो वहां पहुंच गए एंड देन यू आर हैप्पी सोल एंड देन द मोमेंट ड्रग का असर खत्म हुआ आप उसी लोज में उसी डिप्रेशन में प्रोलॉन्ग
वे में आप वेट कर रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट हाई कब आएगा. आई थिंक यू जस्ट समड इट एंड नेल्ड इट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन अ टॉक्सिक लव. तो यार इससे तो मुझे वो याद आ रही है, हमने जो पिछले दिनों एक स्निप शेयर किया था अली एजाज, पुराने 1980s और 70s की कोई मूवी थी जिसमें चपेड़े पड़ती हैं एक दूसरे को. मैंने वो देखा, मैंने कहा ये कौन सा लव है. वो कहते हैं तेनू मेरे नाल प्यार है, उसने तड़ाक करके चपेड़ मारी. नहीं है तड़ाक, लड़की मारती है, लड़की मारती है. एंड देन ही हिट्स हर बैक. नहीं है, और फिर वो अगेन एक और चपेड़ मारी है, और फिर उन्होंने एक और चपेड़ मारी. तो लड़की जब बेड पे गिरती है तो लड़की को जब चार चपेड़े खा लेती तो होता है हाँ भाई मुझे प्यार तो बहुत है. वो जाके उनको हक कर लेती है. एंड लाइक ये हमने क्या मूवीज देखी हैं. इससे मुझे एक और याद आ रहा है, ये तो पुरानी मूवी होगी, आजकल की जो नई मूवी है कबीर सिंह. ओह माय गॉड, डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट. इतना साइकोटिक है और उसको उस बंदे को इतना मतलब इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करती है कि वो लड़की पागल हो गई है उसके लिए, यू नो. इतना यू नो वो जब उसमें आती है ना, उसकी जब एंट्री होती है हीरोइन की, तो वो जो कबीर सिंह है ना, वो सारे लड़कों को कहते हैं भाई साहब इस पे नजर ना रखना, इसको मैंने मार्क कर दिया है, अब इसके मतलब क्या क्या है. You have objectified her. Exactly. और दूसरी बात ये, लेकिन इस पर लड़की को एतराज होना चाहिए ना. वो उस पर डुल्ली जा रही है पागल ही होगी उसके लिए. और जब वो प्रेग्नेंट भी उसको वो कर देता है, उसकी शादी भी टूटने वाली होती है, वापस भी नहीं आता, ड्रॉप में मरा पड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे एम्ब्रेस करती है. Oh my God. Yeah, he's a psycho case. It's a very troubling narrative. And I remember जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो उसको बड़ा क्रिटिसिज्म मिला था. And because of that, I didn't watch it even till date. मैं बताऊँ, मैंने मूवी देखी, मैंने बहुत enjoy की थी, लेकिन honestly speaking, it was very sickening. अगर if you start analyzing, it's very sickening. But the thing is, if the director succeeded in liking you the movie, he has glorified that whole. What about the आजकल के जो dramas हैं? आजकल हम सब हम कहाँ के सच्चे थे जो देख रहे हैं? इतना मैसिव अब्यूज, इतना टॉक्सिक लव दिखाया, येट द होल कंट्री वांट्स देम टू बी रीयूनाइटेड एट द एंड. यार तुम उसको छोड़ो, उसमें इतना शदीद नफरत करता है वो उसके साथ. हाँ. दिखा रहे हैं, और ये लड़की जो महरा खान की नहीं बनी है ना, वो आफ्टर लाइक सच लॉन्ग अब्यूज वो कह रही होती है बिकॉज डैम इट आई लव यू. मैं इतनी शॉक्ड हुई देख के, मैं कहा व्हाट ये प्यार कहाँ से आया. एंड देन बिसाइड्स हम कहाँ के सच्चे थे जो दोबारा ड्रामा था जो भी आजकल चल रहा है हदीका के आनी का, जिसमें शी सफर्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम दिस मैन जो कि उस उम्र में बहुत बड़ा है और उसको अपनी जिंदगी नहीं जीने दे रहा जिस तरह की वो जीना चाहती है. लेकिन वो कह रहे हैं कि ये प्यार तो करता था, जायदाद छोड़ गया, सारा कुछ तुम्हारे नाम कर गया, इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था. ऐसा कैसा प्यार है कि द मोमेंट ही डाइज शी फील्स दैट शी हैज ब्रोकन द चेन्स एंड देन नाउ शी वांट्स टू फ्लाई. आई मीन द वेरी सीन वाज दैट शी ओपन्स हर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ब्रीथ्स. सो लव एंड अबाव ये हुआ, ये जो टॉक्सिक लव है ना, इट्स अ फॉल्स इन्फैटुएशन, राइट. There's nothing, there's no true love in this kind of relationship, I think. मेरी आज कल ज़बान ही इतनी थरा रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं इस लव को कहाँ प्लेस करूँ. So ये it's a very twisted thing and we'll delve into this discussion. चलो बात करते हैं stemming की, ठीक है? Okay, let's talk about that. स्टेमिंग की हम बात कर रहे थे जी. स्टेमिंग जो है ना फायजा, सबसे पहले तो जो मैं बेसिस जो है ना, वो आपकी जैसे हर चीज की बेसिस होती है ना, आपका अपना, आपके अपने पेरेंट्स, आपके अपनी फैमिलीज, आपके फ्रेंड्स, किस माहौल में आप रहे हैं. अब जब माहौल पेरेंट्स फैमिलीज की बात करते हैं तो क्या मतलब है एक लड़के से और एक लड़की से, वो क्या उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है. अब जब तुम बात करी थी ना कि मूवीज में दिखाते हैं लड़की नो कह रही है लेकिन फिर भी झापड़ खा रहे हैं और जिनाबी हगी शगी हो रही है, सो ये क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है हमारे माशरे की उस लड़की से. अब इसमें दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि जब लड़की नो कह रही है तो सीरियसली वो नो भी कह रही है, उसकी कंसेंट नहीं है तो इसको समझो, पीछे हो जाओ. लेकिन हमने इसको इतना ब्लर कर दिया है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं उन लड़कियां जो लड़कियां हकीकत में नो कह रही हैं उनको हम नो लें. अब इसमें दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि कुछ लड़कियां होती हैं वो नो कह रही हैं लेकिन वो असल में नो नहीं कह रही. अच्छा जी, उनके दिल में हाँ होठों पे ना है. एग्जैक्टली, दिल में हाँ है, होठों पे ना है, क्योंकि उनको क्या लगता है, उनके दिमाग में, उनके कोर में ये चीज इंजेक्टेड है कि यार मैं एक बारी में कैसे मान जाऊं, या फिर अगर मैं फौरन से मान गई तो लोग कहेंगे इसको पता नहीं क्या आग लगी हुई थी, यू नो. एग्जैक्टली, या फिर ये यू नो, तो वो इस चीज को एसोसिएट करते हैं अपनी इज्जत के साथ वो लड़कियां. सही बात है. तो इस वजह से वो लड़कियां इतनी अपफ्रंट
अब देखा जाए तो इसमें क्या मसला है कि एक लड़की को अगर एक लड़का फौरन पसंद आ गया है तो सिंपली कह दे कि मैनू मुंडा पसंद है मेरा, बिन क्या करो। हाँ, बिल्कुल, हमारा वो कल्चर अलाउ नहीं करता ना, इसीलिए ये सारे के सारा ये जो क्लाउड बना हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं लड़के की। हाँ जी, अब लड़के बेचारे को भी यही पता है। अब इसमें मैं बात करी, एक तो स्टॉकर्स टाइप होते हैं, ठीक है, जो पीछे पड़ जाएंगे, इसको समझ भी आ गया कि लड़की का मतलब नो मींस नो है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक करेगा, ठीक है। एक तो ये एस्पेक्ट है, लेकिन देन देयर इज एन एस्पेक्ट कि हाँ जी वो तुम्हारी वाली, ये लड़की अभी नहीं, दूसरी तीसरी में हाँ कर देगी, कर देगी, तो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तो उसको भी पता है हाँ मुझे लगे रहना ना, जब तक कि आई रिसीव दैट यस फ्रॉम हर। सो ये तो फिलॉसफी आ गई जो हमारी एनवायरनमेंट ने, हमारे घर ने, हमारे माशरे ने हमारे अंदर इंड्यूस कर दी है, इसको हम फॉलो करते हैं, इसको ब्रेक थ्रू करने की जरूरत है। लेकिन देयर आर अदर थिंग्स एंड आई वांट यू टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा एक ओपनिंग दी है कि हमारी एनवायरनमेंट हमें कैसे बनाती है, व्हाट वी आर, आवर कोर, हमारा कोर क्या है, ठीक है, हमारा कल्चरल कोर क्या है। इसके अलावा क्या होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप स्टेम करता है एक बड़ी बेसिक सी चीज है, लैक ऑफ एम्पैथी। जब हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी इतनी नहीं होती कि हम दूसरे बंदे की कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, उनके नेचर को समझ सकें, थोड़े से टॉलरेंट हो सकें, थोड़ा सा पेशेंस दिखा सकें, बिकॉज यू जस्ट इंसान बन सकें, हाँ, दर्द महसूस कर सकें, एग्जैक्टली, तो यू जस्ट यू डोंट हैव एनी एम्पैथी, दैट्स व्हाई यू आर नीड टू समबडी। तभी आप आराम से थप्पड़ी मारते हो, हड्डियां भी तोड़ देते हो, अस्पतालों में भी भेज देते हो, बिल्कुल भेज देते हो, उसके बाद कहते हो आई लव यू, आई लव यू। नहीं, और ये सारी, ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना मैं पढ़ रही थी कि ये सारा कुछ स्टार्ट होता है एक लैक ऑफ एम्पैथी से। तो ये एक पिरामिड की तरह है, सब लाइक आपकी बेस बन गई, आपके यू डोंट केयर अबाउट अदर पर्सन, ठीक है। लैक ऑफ एम्पैथी के बाद आ जाती है एक बड़ी बेसिक चीज, रिस्पेक्ट की। हर रिलेशनशिप तमीज, तहजीब, इज्जत डिमांड करता है, और जब वो जब आपकी परवाही कोई नहीं, द नेक्स्ट लेवल वुड बी रिस्पेक्ट, आपने अगले बंदे को इज्जत भी नहीं देनी। रिस्पेक्ट से फायदा, मुझे बात याद आई, बड़े बूढ़े कहा करते थे, प्यार है या नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, बिल्कुल, वही उसकी यही उनकी हिकमत थी। और फिर जब रिस्पेक्ट नहीं है, आपने आज गाली निकाली, कल दो और गालियां आपको याद आएंगी, निकालेंगे आप, एंड देन वन थिंग लीड्स टू द अदर, और फिर टॉक्सिसिटी जो है आगे बिल्डअप होती है डिसऑनेस्टी में भी। बंदा अगले बंदे से झूठ बोलना शुरू कर देता है, मैं बाहर किसी गर्लफ्रेंड को मिलकर आया हूँ, मुझे इसको बताने की क्या जरूरत है कि मैं किसके साथ था, और जब वो क्वेश्चन करेगी तो चपेट भी, या पहले तो मैं उसको झूठ बोल दूंगा, अगर उससे ज्यादा प्रोबी की तो मैं उसको चपेट भी दूंगा, पहले गाली दूंगा फिर चपेट मारूंगा। एंड सेम गोस फॉर द लेडीज टू, राइट, फॉर द लेडीज, बट डिसऑनेस्टी तो है, बट चपेट पड़ेगी तो देन आई एम गोना ऑलवेज फाइंड कि मुझे इस बंदे से वो चीजें तो नहीं मिल रही ना, रिस्पेक्ट नहीं मिली, देन आई एम गोना फाइंड अ लीडर, तो देखें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जो एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है कंट्रोल से रिलेटेड। आपने दूसरे बंदे की जिंदगी का हर एस्पेक्ट अपने हाथ में रखना है। तुम किससे मिलोगी, किस वक्त मिलोगी, कहाँ जाओगी, कब आओगी, क्या पहनोगी, क्या खाओगी, ये सारी चीजें जो हैं एक बंदा कंट्रोल कर रहा है। यू नो व्हाट, इससे मुझे एक बड़ी मजे की बात याद आ रही है, एंड आई एम श्योर हम ज्यादातर 99% ऑफ द देसी इस चीज से अग्री करेंगे, या किसी ने जरूर सुनी होगी कि जब भी शादी होती है, यू नो द फर्स्ट वेडिंग नाइट जो आपकी होती है, उसमें एक लेसन लड़कों को भी दिया जाता है, एक लड़की को भी, कौन बिल्ली मारेगा, कौन बिल्ली मारेगा, मीनिंग जो बिल्ली मारेगा वो कंट्रोल रखेगा। आर यू थिंकिंग ये किस किस्म का मैसेज, किस किस्म की फाउंडेशन आप अपनी जिंदगी में डालने जा रहे हैं? इसका मतलब है कि शादी को आपने बना दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एग्जैक्टली, जिसने बिल्ली मार दी, रिलेशनशिप के अपर हैंड उसके हाथ में आ गया। अपर हैंड तो आ गया, लेकिन मोहब्बत भी बहुत है भाई, मोहब्बत बहुत है, मोहब्बत को हम साथ साथ पैरेलल चला लेंगे औखे सौखे होके, लेकिन कंट्रोल ये डिसाइड करना कि किसके हाथ में होगा, ये आपने बिल्ली मारने के बाद डिसाइड करना है। लेकिन एक एक फाइनल बात मुझे अभी आपसे बात करते हुए याद है कि एक और एस्पेक्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप का है, जेलेसी से रिलेटेड। सम मेन कैन, और इवन वेमेन इवन कैन गेट समटाइम्स इनसेनली जेलस, तो उस जेलेसी में भी वो अगले बंदे की जान को आए होते हैं कि भाई फिर रिलेशनशिप कैसे आपका अच्छा रहेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी ना। दो एस्पेक्ट्स हैं, एक ये कि आप कंट्रोल करते हो, एंड दूसरी साइड पे जेलेसी का एस्पेक्ट है आप पैरानोया, हाँ, भी आ जाता है, पैरानोया भी, बोथ द थिंग्स गो साइड बाय साइड, हाँ, यानी कि आइदर ऑफ द टू कैन एग्जिस्ट इन अ रिलेशनशिप। आई कैन बी पैरानोइड एंड आई कैन मेक माय हस्बैंड्स लाइफ लिविंग हेल, या
Yes, yes, it can happen. Yeah. Yes. So these are the various problematic areas of toxic relationship, जहाँ से stem करता है. And then it can lead to difficulty in a relationship overall. Relationship. तो यानी कि ये toxic love जिनकी ज़िंदगी में इस तरह से है. जी. ये हम क्या कह रहे हैं कि ये toxic love इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है या फिर ये इनकी ज़िंदगी है? तो it's very sad and unfortunate कि it looks like as if you are caught in a vicious cycle. और आज इसमें आपके highs and lows चल रहे हैं and आप इसमें से निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं. इट्स लाइक अ रट गोइंग ऑन. तो मैंने पढ़ा है, देखा है कि देर आर सम पीपल हु आर फॉर्चुनेट इनफ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स. ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप टॉक्सिटी है एंड दे आर एबल टू आइदर रेक्टिफाई द रिलेशनशिप और एग्जिट द रिलेशनशिप, आइदर ऑफ द टू. बट मुझे ये बताइए सुमला, मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों के बारे में जो कि इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं, जो कि फिर भी अपनी सारी जिंदगियां इसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में गुजार देते हैं. ये कौन लोग होते हैं? फायजा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप. देखें, बहुत ज्यादा तो इसमें वेरिएशन नहीं चाहूंगी, लेकिन छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ क्योंकि व्हाई दे आर इन इट एंड दे आर नॉट एबल टू रेक्टिफाई और दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट. क्योंकि प्रॉब्ली वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो जिस बैकग्राउंड में अब आ गए हैं, जब वो कंपेयर करते हैं, लेट्स से कि गरीब बच्ची है, गरीब बच्चा है, उनको लगता होगा कि यार मैं तो अब बहुत ही लग्जरी लाइफ में रह रहा हूँ, ठीक है, थोड़े बहुत जूते वूते खा लेता हूँ, क्या हुआ, बंदा प्यार भी तो करता है, बंदी प्यार भी तो करती है, खाने भी है, मेरी स्टैंडिंग बेहतर हो गई है, सोसाइटी का काम मिल गया है, व्हाटएवर द केस इज, राइट. तो वो उसको जब वो कंपैरिजन में जब वो देखता है ना, जहां से मैं आया हूं, जहां मैं हूं, इट्स स्टिल बेटर, इट्स स्टिल बेटर. सो वो टॉक्सिटी को इनहेल कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको अंदाजा भी नहीं होता कि अब उनकी जिंदगी बन गई है. लेकिन ये तो वो है ना जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. आपने भी बात की थी कि फॉर्चुनेट पीपल जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं, बट देयर आर पीपल हु आर फॉर्चुनेट जिनके पास रिसोर्सेज हैं एंड देन येट वो उसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं. एंड व्हाई इज दैट? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. थिंक अबाउट इट यार, मेरे बाप के पास रिसोर्सेज हैं, आज मैं कहूँ कि इस बंदे को मुझे छोड़कर आना है, वो मुझे ले लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी फिर भी इस बंदे के साथ रखना चाहती हूँ. उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट है ना वो मोहब्बत का एलिमेंट का, कि मुझे इंतहाई मोहब्बत है इस आदमी से, या फिर इस आदमी को इस औरत से बहुत मोहब्बत है, ठीक है, देन लाइक कोई बात नहीं, इट्स ओके फॉर दैट, इट्स ऑलराइट, यू नो, बट आई स्टिल लव हिम, यू नो दैट एस्पेक्ट्स के हम इसके भी बात करें. आई एम सो सरप्राइज्ड दैट द लव स्टिल रिमेंस देयर इन सम केसेस. इट्स फॉल्स इनफैटुएशन, रिस्पेक्ट नहीं है, क्या मतलब जूते खाओ और सब कुछ है. दूसरी जो सबसे बड़ी बात है ना, देन यू हैव टू सी कि स्टेक पे क्या है. स्टेक पे ये है कि आपके बच्चे हैं, प्रॉबेबली आपको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, probably आपको जो सोशल स्टैंडिंग मिल रही है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, एज अ कपल, जो दुनिया के सामने एक रिफ्लेक्शन है, यू वांट टू कीप दैट इंटैक्ट, यू नो. सो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये इनको जब कोई बंदा वे आउट करता है, कहता है कि यार इट्स ओके, हमें ट्रेड ऑफ पे बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं, सो इट्स ऑलराइट, आई डोंट वांट टू. सो दोज आर द वंस फॉर्चुनेट है, आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने कि इट इज टॉक्सिक, बट I'm gonna remain. My God, that's very scary and difficult, you know, but then that's their choice. That's the choice. You cannot do anything about it. Okay, चलें फिर हम आगे चल के फिर discuss करते हैं कि जब toxic relationships इतने बुरे चल रहे हैं तो इनके impacts आपकी जिंदगी में कैसे तासुरात लाते हैं और फिर आप इनको कैसे rectify कर सकते हैं. Let's talk about that. Exactly. Let's talk about the impacts. Yeah. हाँ, तो ये तो वजूहात हो गई ना कि किस वजह से हम उस यूनिट में रहना चाहते हैं विदाउट दिस, यू नो, नोइंग दिस इज टॉक्सिक. लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज कि अभी तो हम एक चीज को सेव कर रहे हैं, लेकिन इनके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी होते हैं, राइट. Do you wanna indulge in those, Faiza? Absolutely. मैं being the kid of the 80s and the 90s, we grew up on those movies of Al Kapoor and Madhuri Dixit, right? तो उस जमाने में टॉक्सिटी दिखाई जाती थी कि भाई लड़के ने बड़ा पैशनेटली लड़की को पकड़ा और उसको हग किया, किस किया, एंड शी इज फॉलिंग इन लव विद हिम. And we're like, everybody finds that very sexy. Hard to catch. Term था, उसने भी बड़ा वो मना कर रही है ना, लेकिन deep down she is melting. और फिर बारिश वाला गाना आ जाता था. And everything looks fine. Right. And you know, but this is glorify कर रहे ना, and you're selling a very sexy concept. But the problem is, real life is not
ब्यूटिफुल एज अ रियल लाइफ. बिकॉज द थिंग इज कि जो इंप्रेशनेबल बच्चे होते हैं, जिस तरह 18-19 साल 20-21 साल के जो लड़के लड़कियां होंगे, उनको तो लगेगा यार ये तो बड़ी सेक्सी चीज़ है. मैं थोड़ा सा नाना बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे आएगा, मैं और नाना बोलूंगी और पीछे पीछे आएगा. तो वो उनकी डेफिनेशन लड़कियों की यहाँ पे खराब हो जाती है. दे नेवर अंडरस्टैंड के हाउ टू अप्रोच अ मैन बिकॉज दे नेवर गॉट द स्किल टू अंडरस्टैंड. उनको कभी उस तरह से वो समझ ही नहीं आती है कि उन्होंने टीवी पर नहीं देखा होता, मूवीज में नहीं देखा होता, उनको लगता है बस नाना ही बोलते जाओ. और जो लड़के हैं वो इस चीज को इम्प्रेशनेबल समझते हैं कि भाई आज शाहरुख खान ने कहा है ना, तो उसको तो लड़की मिल गई, काजोल मिल गई, काजोल मिल गई, तो अब मैं भी लड़की को जब छेड़ूंगा ना तो मुझे भी लड़की मिल जानी है. उसने क्या, वो कौन सी मूवी थी वो जिसने पूरी मूवी से लंदन में ट्रेन में घुसा के फिर एंड पे जाके जिसकी शादी है दिवाली होती है तो उसको हाँ मिल जाती है, मिल जाती है, मिल जाती है. नहीं, और वो फिर वो जो किरण वाला जो था वो साइकोटिक, तो वो सारे लड़के जो किरण करे, हाँ तो ये होता है. तो ये जो इस तरह की जो फिल्में होती है, ये एक आपका फिल्मों को भी अगर ये पुरानी फिल्में आजकल के ड्रामोस में भी तो ये है. ये भी चीज है. और ये सुनना एक बड़ा क्लासिक लिटरेचर का थीम है, आपकी क्लियोपेट्रा की स्टोरी इस पे पूरी बेस्ड है, यू नो. तो वो माय पॉइंट बीइंग, तो ये सारी चीजें ना इंप्रेशनेबल बच्चों के दिमागों में ये चीजें डाल देती हैं कि हाँ भी ऐसा करना जायज है, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट. व्हेन अ गर्ल इज सेइंग नो यू नीड टू बैक ऑफ कंप्लीटली इट बिकॉज इट गिव्स राइज टू अ स्टॉकिंग कल्चर, इट गिव्स राइज टू हरासमेंट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इन ड्रामास टुडे आल्सो. एग्जैक्टली. और दूसरा एस्पेक्ट वो लड़की ना कर रही है, दूसरी साइड पे आपने ये भी देखा जो आजकल जो ये फ्रेंड्स कजिन्स पे हमने बिस्किट भी बनाया था, औरतें एक दूसरी औरत को काटने के चक्रों में, क्योंकि हाउ द हेल शी गॉट दैट गाय एंड नॉट मी, यू नो. अब सिस्टर्स दिखा रहे हैं, कजिन्स दिखा रहे हैं, फ्रेंड्स दिखा रहे हैं, एंड दैट इतनी टॉक्सिटी. और लेट्स से होता क्या है कि मूवीज ड्रामास में जब दिखाते हैं कि जो खराब वाली होती है शी एंड्स अप विनिंग दैट गाय, इवन द गाय लव्स द अदर गर्ल, राइट, शी इज एबल टू स्नैच दैट गाय. लेकिन देन दे शुड बट ड्रामा कैसे बनेगा स्नैच, उसके बाद जो जिंदगी का उनका बेड़ा गर्क होता है, यू नो. ऑफ कोर्स दे आर शोइंग द अदर साइड ऑफ इट टू, बट यू नो द कॉन्सेप्ट की बेसिस ही आपने वो प्यार के रिश्ते वो भी खत्म कर दिए हैं, ठीक है, उसके अंदर भी टॉक्सिटी घुसा दी है. देखिए सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में भी आपने इतनी टॉक्सिटी भर दी है, कोई बंदा टीवी पे खुश नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी खुश नहीं है. या लेकिन ये तो इम्पैक्ट है ना मीडिया के, ये मीडिया के हैं. लेकिन दूसरा एक इम्पैक्ट है कि जब घर के अंदर अगर एक बच्चा है या एक अपने पर्सनल लाइफ के अंदर जी एक आपके अपने पर्सनल जो है इम्पैक्ट्स हैं, एंड देन यू हैव किड्स हु आर अब्सॉर्बिंग नेगेटिविटी फ्रॉम यू, ठीक है, एंड विदाउट रियलाइजेशन यू डोंट नो कि जो आपने मॉन्स्टर छोटा सा बेबी था भी कितना बड़ा मॉन्स्टर हो गया. जब मैं पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ तो सोचिए अगर आपके डायनामिक्स ऐसे हैं मियाँ बीवी में, प्यार मोहब्बत और ये, सारा दिन आप जॉब पर हैं, ठीक है, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके फंक्शन कर पाओगे प्रॉपरली अगर आपकी इतनी अब्यूसिव किस्म की रिलेशनशिप है. नाउ यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट हाई, कब मुझे दोबारा प्यार मिलेगा, अभी मैं डिप्रेशन में गुजर रही हूँ या मैं गुजर रहा हूँ. एंड सिमिलरली आपको लगता है कि दरवाजा बंद है और बच्चों को नहीं समझ आ रही कि मियां बीवी या माँ बाप का रिलेशनशिप क्या है. नो, दे अब्सॉर्ब इट एंड दे नो इट, दे नो इट एंड दे अब्सॉर्ब इट, राइट, एंड दे फील लाइक कि हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है. और सबसे तीसरी बात ये है कि हमने अभी बात की थी हाईज एंड लोज की. जब हाई, यस यू आर राइट कि हाई आता है थोड़ी देर के लिए, लो प्रोलॉन्ग्ड होता है, डिप्रेशन प्रोलॉन्ग्ड होता है, लेकिन यू नो व्हाट, दिस इज सो टायरिंग, सो एग्जॉस्टिंग कि यू आर ऑलवेज लिविंग इन अ लो लाइफ वेटिंग फॉर दैट हाई. एक टाइम पे आके ना यू डिविएट, आप डिसऑनेस्ट हो जाते हो, यू स्टार्ट सीकिंग लव एल्सवेयर. So that means if one thing leads you to another marital problems, फिर और different तरह की start हो जाती है. आपकी dishonesty start हो जाती है, फिर आप वो जो control power और ये सारी चीजें start हो जाती हैं, right? So इसका impact आप देख रहे हैं. तो वो जो function जो unit है with the time passage वो तो वैसे destroy हो रहा है. तो disintegrate हो रहा है, यानी कि relationship toxicity की वजह से disintegrate हो रहा है and you are moving in different directions. बिल्कुल. And then you know सबसे बड़ी बात, आज आपने चपेड़े खा लिया, अलग ही बोल दिया, ठीक है, और जो भी है मुझे मारता है, लेकिन यू नो इतनी चीजें मुझे लगती है, ठीक है, हाँ, हाँ. है, लेकिन डू यू नो ये जिस मॉन्स्टर को आप फीड कर रही हैं या जिस मॉन्स्टर को आप फीड कर रहे हैं, कल को यू नेवर नो कि आज आपकी सिर्फ एक हड्डी टूटी है, कल आप अस्पताल में बैठे हो सकते हैं, और या फिर टोटली तौर पे आप मर भी सकते हैं. You can end up dying because of the abuse also. Yeah, so इसका stop क्या है? इसको तो आपने इतना glorify जो हमने कर दिया है, इस extreme passion and love and all this. We need to reverse engineer. Absolutely. We need to figure out how to remedy it. How to remedy it, right? Yes, stop. Like, you know, take your highs elsewhere.
Seriously. What do you have in mind? No, seriously, take your highs elsewhere. This is not it, you know. Yeah, let love be love. Let love be love, yeah. Okay, so. Chalo, yeah, let's just wrap it up. Theek hai. Any final thoughts? यार माय फाइनल थॉट्स इज कि देखिए मैं कभी भी ना आई डोंट बिलीव इन बैन कल्चर और कैंसल कल्चर. तो जो क्रिएटिव प्रोसेस है किसी राइटर का किसी फिल्म प्रोड्यूसर का या जो भी है नॉवल है बुक है आप अपनी क्रिएटिविटी में बताएंगे ये बंदा ऐसा है लव पागल हो रहा है लव क्रेजी इश्क है ये धमाकेदार चपेड़ों वाला इश्क है जो दिखाना दिखाएं. आपकी स्टोरी शुड नॉट ग्लोरिफाई दैट. जिस तरह आपने कहा था ना कि यू एंडेड अप एंजॉयिंग कबीर सिंह द ऑब्जेक्टिव शुड हैव बीन दैट यू हेटेड कबीर सिंह. अगर वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं ना हुआ देन आई हैव एन इश्यू विद द स्टोरी टेलिंग अ लिटिल बिट यू नो बिकॉज ऑल दिस फीड्स इनटू आवर चिल्ड्रन. हमारी एनवायरमेंट में बच्चे टीवी और मीडिया से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं राइट. वो एक अब्सॉर्बिंग फैक्टर होता है वहां पे. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है माँ बाप का अपने बच्चों को एम्पावर करना. बेटों को भी और बेटियों को भी दोनों को एम्पावर करें बताएं बाउंड्रीज क्या है कंसेंट क्या है कहाँ यस कहना है कहाँ नो कहना है ये बातें. एंड यू लीड बाई एग्जाम्पल. जो घर में देखेंगे वही आगे सीखेंगे. तो अपनी एनवायरमेंट्स को जरा नॉर्मल करने की कोशिश करें और बच्चों को भी जरा बेहतर वैल्यू सिस्टम समझाने की कोशिश करें कि भाई क्या चीज एक्सेप्टेबल है और क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है. तो ओनली देन कैन वी गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल आई थिंक. Yeah, I think a lot of this that you have spoken as like you actually uttering the words that I would want the audience to leave with. But लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये मैं और कहूँगी कि एक सेकंड के लिए जब जब आप खुद जूता खाते हैं या फिर आप किसी को जूता देते हैं यू नो जब आप उसको भूस करते हैं तो ये सोचें कि how would you feel कि आपके घर की अपनी बच्ची या फिर आपका बच्चा भी उन्हीं निशानों के साथ कभी आपके पास वापस आए. उस वक्त अगर आपके दिल को कुछ हो कुछ रिंकली हो तो दैट मीन्स कि ये ठीक नहीं है. सो सेव योर चिल्ड्रन सेव योर मैरिजेस लव द वे इट शुड बी नॉट इट शुडन्ट बी टॉक्सिक. दैट्स ऑल. चले बड़ा अच्छा आपने इसको सम अप किया सुमला एंड दैट आई थिंक वी रैप अप आवर एपिसोड फॉर टुडे एंड आई वुड लाइक टू थैंक वी वुड लाइक टू थैंक आवर ऑडियंसेस. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग कैटलिस्ट. प्लीज गिव अस योर फीडबैक एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून. थैंक यू. थैंक यू.